नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर निखिल अग्निहोत्री कामठी से कुछ ज़रूरी बातों को आपके साथ शेयर करने के लिए मैसेज फॉरवर्ड कर रहा हूँ। अभी मैं देख रहा हूँ, मैं खुद कोविड वार्ड में काम कर रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से कोविड पेशेंट्स को देख रहा हूँ। सारे पेशेंट्स का हम लोग हिस्ट्री नोट डाउन करते हैं, पेशेंट को कैसे बीमारी हुई, कैसे इन्फेक्शन हुआ, कहाँ से आया। कम्युनिटी स्प्रेड में तो बताना बहुत मुश्किल होता है इन्फेक्शन कहाँ से आ रहा है, लेकिन एक कॉमन ट्रेंड जो मैं देख रहा हूँ कि लोग जब अभी लोगों को अगर फीवर आता है, बुखार आता है, लोग अभी भी सुधरे नहीं हैं, अभी भी पुराने ढर्रे पे चल रहे हैं। बुखार आने के बाद सबसे पहले 2-3 दिन आप घरेलू नुस्खा आजमाते, घरेलू नुस्खे से काम नहीं हुआ, आप पैरासीटामोल ये वो टैबलेट लेके अपने मन से खा रहे हैं, फिर उसके बाद आप नज़दीक के डॉक्टर को दिखा रहे हैं, नज़दीक के डॉक्टर कोई दवाई देता है बुखार की, सादा सर्दी बुखार समझ के, फिर वो ठीक नहीं होता 2-3 दिन बाद, फिर उसके बाद टेस्ट का दौर चलता है, कभी ब्लड टेस्ट, कभी यूरिन टेस्ट, कभी वहीं विड़ाल निकल जाता है, कोई मलेरिया, कोई डेंगू, कोई टाइफाइड कर रहा है, टाइफाइड पॉजिटिव आ जा रहा है कोइंसिडेंटली, और टाइफाइड की ट्रीटमेंट चालू हो रही है, उसमें और 3-4 दिन पास हो रहे हैं। मतलब कुल मिला के कैसे भी करके बस 8 से 10 दिन पास करना है। कोरोना नहीं है, कोरोना नहीं है, और कोरोना नहीं है बोल बोल के अपनी आँख मूंद करना। आपकी आँख बंद करने से क्या आँख बुझ जाएगी? ये इतने लोग क्या बेकार में मर रहे हैं? ये आपको अभी भी आप जागे नहीं हो? ये 8 से 10 दिन आप ऐसे घरेलू नुस्खे लगा के जीपी के पास ट्रीटमेंट लेके, या मैं ये नहीं बोलता जनरल प्रैक्टिशनर दिखाओ मत दिखाओ, लेकिन वहाँ पर ये मलेरिया, टाइफाइड, ये डेंगू, ये विड़ाल टेस्ट, ये क्या मतलब है? एपिडेमिक का टाइम है भाई, एपिडेमिक के टाइम दूसरा कोई इन्फेक्शन होता ही नहीं है, सिर्फ कोविड ही एग्जिस्टेंस में है। अभी बुखार आया, सीधा जाके पहले टेस्ट कराओ कोविड का और तुरंत ट्रीटमेंट चालू करो। क्या टाइम पास करते हो? 8वें 10वें दिन के बाद आपको ब्रेथलेसनेस होने लगता है, सांस रुकने लगती है, अस्थमा जैसा फील करते हो, फिर आप भागते हो कोविड टेस्ट कराने, कोविड टेस्ट निगेटिव, कोविड टेस्ट अभी पॉजिटिव आ नहीं रही, बहुत से पेशेंट में देखने में आ रहा आरटीपीसीआर निगेटिव आ रहा है, आरटीपीसीआर निगेटिव है, आप बोलते मेरे को कोरोना नहीं है, बाकी कुछ भी हो लेकिन कोरोना नहीं है। अरे भाई, सांस फूल रही, दम फूल रही है, निमोनिया डेवलप हो रहा है, लंग्स डैमेज हो रहे हैं अंदर से, कोविड नहीं है। आरटीपीसीआर क्या कोई ब्रह्मा की लकीर है जो बता देगा कि कोविड है नहीं है? जो लंग पैथोलॉजी हो रही है अंदर में, एचआरसीटी जो चेस्ट बता रहा है कि 7%, 10%, 12%, 15%, 18, 20% का स्कोर जो जा रहा है वो ऐसे ही जा रहा है, लोगों की डेथ हो रही है। और उस समय आप जब भागते हो ना इमरजेंसी में, उस समय आपको ना तो बेड मिलता है, ना ऑक्सीजन मिलता है, ना ट्रीटमेंट मिलता है, ना डॉक्टर मिलता है, कहाँ से होगा इतने पैनिक सिचुएशन में? पहले ऑलरेडी पैनिक मचा हो आप, और पैनिक में और खुद को और परेशान कर रहे हो। इस तरह से काम नहीं होता, लापरवाही से काम नहीं होता है। आपको बुखार आया, आपको पहले ही दिन टेस्ट करना चाहिए, आपको पहले ही दिन जाना चाहिए, और नहीं तो फिर कोविड का ट्रीटमेंट शुरू कर ही दो एटलीस्ट। अगर नहीं कुछ कर रहे हो तो घर से आइसोलेट हो जाओ, बाकी लोगों से दूर रहो, बाकी लोगों को इन्फेक्टेड मत करो। कि नहीं बस कोइंसिडेंटली अगर किसी को पता चल भी जाता है, वो ट्रीटमेंट ले भी लेता है, तो 15 दिन क्वारंटाइन रह गया, 15 दिन के बाद वो समझता है मैं तो सुपरमैन बन गया, मेरा कोरोना ठीक हो गया, मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, वो चल के इधर उधर गाँव में मस्त घूमता है। अरे भाई, जब तुम निगेटिव स्टेट में आते हो, वही स्टेट सबसे ज़्यादा इन्फेक्टिव स्टेट होती है, उसी समय सबसे ज़्यादा वायरसेस हमारी बॉडी से शेड ऑफ होते हैं, और वो वायरस हमारे आसपास के लोगों को जम के इन्फेक्ट करते हैं, क्योंकि उनने अपना कोर्स हमारी बॉडी पे पूरा कर लिया, 15 दिन का उनका खेल हो गया, अब हमारे को टाटा बाय बाय करके वो हमारे आसपास दूसरा होस्ट, कोई दूसरा शिकार ढूंढते हैं, और वो हमारे नज़दीक का ही कोई होता है, या तो हमारे घर का, या अपना दोस्त, या अपना रिश्तेदार, जिसको हम फ्री में इन्फेक्शन बांटते रहते हैं, और बड़ी खुशी से बताते हैं कि मेरा तो निगेटिव आ गया हूँ, मैं निगेटिव हूँ। अरे भाई, तू निगेटिव, बाकी लोगों को पॉजिटिव कर रहा है। 20 दिन चैन से बैठ के टिका नहीं सकते एक जगह, अपनी ठेका लेके रखा सारे मार्केट में घूमने का, लोग खुद गलतियां कर रहे हैं और लोग खुद भुगत रहे हैं, सड़कों पे लाशें दिखेंगी, देखना। ये जो कई कई बॉडीज होती है जो एनएमसी देखती है, एनएमसी भी देखती है, पेपर सबसे बड़ा एविडेंस बन गया अभी समय। कोविड रिपोर्ट अगर पॉजिटिव है तो एनएमसी बॉडी ले जाती है डिस्पोज करने के लिए, और कोविड रिपोर्ट नेगेटिव है तो एनएमसी बॉडी नहीं ले जाती, बॉडी सीधा हैंड ओवर होती है रिलेटिव को। पेशेंट मरा तो वायरल निमोनिया से ही है ना, अब वो वायरस कौन सा था, ये किसने डिटेक्ट किया? मैं बोल रहा हूँ वो कोविड ही है। तो आरटीपीसीआर रिपोर्ट अगर निगेटिव है और उसके बाद भी पेशेंट निमोनिया से मर रहा है, वायरल निमोनिया डायग्नोसिस होके मर रहा है, और बॉडी अगर कोविड निगेटिव रिपोर्ट के कारण एनएमसी डिस्पोज नहीं कर रही, हैंड ओवर कर रही है रिलेटिव को, तो रिलेटिव वो बॉडी घर लेके जा रहे हैं, क्या वो इन्फेक्शन ट्रांसफ़र नहीं कर रहे कम्युनिटी में? क्या वे इन्फेक्शन कैरी नहीं कर रहे अपने घर तक? ऐसा कोई भी पेशेंट जो निमोनिया से डेथ हो रहा है उसको कोविड ही समझो, भले आरटीपीसीआर उसका निगेटिव आया हो, ये खिलवाड़ हो रहा है अपनी जान से। ऐसी बॉडीज़ आप हॉस्पिटल से सीधे शमशान घाट ले जाओ, और बहुत केयरफुली डिस्पोज करो, खुद भी अगर कर रहे हो तो मत ले जाओ घर पे उनको,
मत लाओ ऐसी बॉडीज़ को घर पे, भले आपका कितना ही अजीज कितना ही करीबी हो, जज्बात एक तरफ है बाकी ज़िंदगियां एक तरफ, एक अगर मर गया तो उसके पीछे सारा घर नहीं मार देना पड़ता। बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, ये सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई, हाथ से बाहर चले गए हालात, मेडिकल सिस्टम क्रैश हो रहा है, वेंटिलेटर नहीं है, बायपैप नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, हॉस्पिटल में बेड नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, सब कम पड़ रहा है। इसके बाद और क्या सिचुएशन है, इतने भयानक और क्या, कल्पना भी नहीं कर सकते हम लोग क्या आएगा। अभी भी लोगों को सावधान होने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। कई लोग बोलते हैं वैक्सीन लिया मैंने, वैक्सीन लेने के बाद में पॉजिटिव आ गया, वैक्सीन ली तो मेरे को इन्फेक्शन हो गया, वैक्सीन लेने से कोरोना हो गया, ऐसा नहीं है। वैक्सीन का एक पर्टिकुलर डोज होता है, पर्टिकुलर कोर्स होता है, पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन होता है, उस टाइम पीरियड के बाद ही वैक्सीन आपके बॉडी में एक्टिव होती है, उस टाइम पीरियड के बाद ही आपकी शरीर में एंटीबॉडीज़ बनते हैं। इन बिटवीन अगर आपको कोई इन्फेक्शन अपॉर्चुनिस्टिकली अगर कोविड का लग गया तो आप कोविड से, आपकी हालत ख़राब होनी ही है। वैक्सीन लेने गया था और मेरे को इन्फेक्शन आपको लगा, वैक्सीन से नहीं लगा, मगर वैक्सीन लेने आप जहाँ गए थे वहाँ कम्युनिटी स्प्रेड की वजह से आपको इन्फेक्शन लग गया। कोई तो भी आया था जो नेगेटिव हो के आया था और फ्री में बांट के चला गया आपको। ये जो 15 दिन के क्वारंटाइन से निकल कर और फिर घूमने वाले जो लोग हैं ना कि मैं तो नेगेटिव हो गया, यही बहादुर हैं ये फैलाने वाले, और ऐसे ही लोग फैला रहे हैं इन्फेक्शन, जाने अनजाने कितने ही कैरियर्स हैं। अभी 50 से 60% लोग पॉपुलेशन में कैरियर का काम कर रहे हैं और इन्फेक्शन स्प्रेड कर रहे हैं, उनको खुद को भी नहीं पता कि मेरे को ये कोविड है, बिकॉज़ वो असिम्प्टोमेटिक है। ऐसे कई लोग हैं जो फैला रहे हैं, नए स्ट्रेन आ गए वायरस के, 12 घंटे में पेशेंट का जो सिटी का स्कोर है वो 2 से 12 पे चला जाता है, 12 से 22 पे चला जाता है, 12 घंटे में। आप घर से लाते हो पेशेंट हॉस्पिटल में, पेशेंट अगले दिन सबेरे पेशेंट की बॉडी निकलती है वहाँ से, और आप बड़े चीख चीख के हॉस्पिटल से लड़ते हो कि हम तो चलता फिरता लाए थे, 90 का सेचुरेशन था, 2 का सिटी स्कोर था, ऐसे कैसे मर गया, ये नया स्ट्रेन है भाई साहब, नया स्ट्रेन है, 12 घंटे में 80% लंग खा जाता है, डैमेज कर देता है, मौका नहीं देता संभलने का, कोई दवा काम नहीं करती, कोई वेंटिलेटर सपोर्ट नहीं करता, वेंटिलेटर सपोर्ट कैसे करेगा, हार्ट बंद हो जाता है पेशेंट का। कैसे दिमाग में लोग कल्पना लड़ लेते हैं कि लोग लाशों को वेंटिलेटर लगा के डॉक्टर रखते हैं, अरे कैसे रखेगा भाई, एक फूटा हुआ बलून में हवा कैसे भरोगे, आप भर ही नहीं सकते, आप में ताकत है भर के बताओ मेरे को। जो चीज़ पॉसिबल नहीं है, जो चीज़ नहीं हो सकती, उन चीज़ों के पीछे दिमाग क्यों लगा रहे हो। अरे जो फैक्ट है, अभी आप फैक्ट को देखो, सच्चाई को देखो, सत्य के धरातल पे खड़े होकर सोचो तो, आप क्या खिलवाड़ कर रहे हो अपने साथ में, काढ़ा पी रहा हूँ, पैरासीटामोल खा रहा हूँ, डॉक्सी खा रहा हूँ, अरे मत करो ये सब यार, आरटीपीसीआर कराओ, आरटीपीसीआर निगेटिव आ रहा, फिर भी कोविड का ही ट्रीटमेंट लो, किसी भी फीवर को सादा फीवर मत समझो, महामारी का समय है, एपिडेमिक का दौर है, यहाँ पे फीवर सादे नहीं होते भाई साहब, यहाँ हर फीवर कोविड ही है, आप यकीन मानो चाहे नहीं मानो। बाकी अपनी जान की सलामती के लिए आप लोग सब जिम्मेदार हो, मेरा जो अनुभव था मैंने आपके साथ शेयर किया, अगर इसके कारण किसी की जान बचती है तो मैं अपने आप को बहुत धन्य समझूंगा, थैंक यू वेरी मच, एक ड्यूटी समझ के आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। प्लीज़ आगे फॉरवर्ड करिए, सुनिए, कुछ सीखिए, समझिए इस मैसेज से मेरे, अगर मैं आपको सिखाने में सक्षम हुआ तो मैं बहुत खुद को धन्य समझूंगा, थैंक यू।